Hello everybody, in this video I'll be dealing with labor law. Firstly, I'll start with the introduction of labor law and I'll start that how it came into existence. Pehle 19th century mein industrialization bahut prominent tha. Capitalist kaun the? Capitalist wo jo work dete the aur workers kaun the jinko capitalist ke under mein kaam karna padta tha. Aur पहले इससे पहले क्या होता था, जब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ था लेबर लॉ का, तो जो कैपिटलिस्ट थे वो अपने वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते थे. कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, कोई प्रॉपर वर्किंग आवर्स नहीं था, कोई फिक्स रेम्यूनरेशन का सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो वो अपने हिसाब से, कोई प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, अपने हिसाब से कुछ भी मैंडेटरी रूल बना देते थे और उनको वो फॉलो करना पड़ता था एनी हाउ तभी. और कोई रेम्यूनरेशन का भी कोई फिक्स डिविजन नहीं था कि इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा. कोई भी सेफ्टी, कोई रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी नहीं था. तो यहाँ पे दो टर्म है, फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर. वो बहुत लोग कहते हैं कि फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर जो है ये दोनों टर्म सिनोनिमस है, बट ऐसा नहीं है. ये दोनों इन्वॉलंट्री वर्किंग में आता है. इन्वॉलंट्री वर्किंग मतलब कि अपने इंटेंशन के, अपने विल के अगेंस्ट, अपने विलिंगनेस के अगेंस्ट आप वॉलंट्रीली वर्क नहीं करो. इनवॉलंट्री आर वर्किंग अगेंस्ट योर विल, दोनों में आता है, फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर. फोर्स्ड लेबर में क्या होता है कि लाइक सपोज आई ओ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मैं किसी का पैसा ओ करती हूँ, तो यू विल फोर्स मी कि तुमको काम करना पड़ेगा, तुमको काम करना पड़ेगा. अगर कोई भी अगर मैं किसी भी इंसान का सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओ कर रही हूँ, तो हमको एक पर्टिकुलर काम फिनिश करना पड़ेगा. कि डेट मैं अपना नहीं दे पा रही हूँ, तो एक उसके बदले में मुझे कुछ काम करना पड़ेगा. और अगर कोई भी रूल, अगर इन केस अगर मैंने कोई भी रूल ब्रेक कर दिया जो मुझे नहीं, जो फॉलो करना चाहिए था, तो उस केस में भी एज अ पेनाल्टी मुझे वो काम करना पड़ेगा फोर्सफुली. और स्लेव लेबर क्या हो गया? स्लेव लेबर क्या है कि कास्ट के वजह से या कस्टम के वजह से, या हम कैप्टिविस्ट हैं तो मेरे लाइक जो भी एंसेस्टर्स हैं वो भी स्लेव थे, तो जो भी बच्चा पैदा होगा मेरी फैमिली में वो भी ऑटोमेटिकली वो भी स्लेव होगा. ठीक है, उसको भी हमको इनवॉलंट्री वर्क करना पड़ेगा. सेम टाइप का स्लेवरी, जो गुलामी है वो करना पड़ेगा. तो जो स्लेवरी सिस्टम है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता है. अब एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, स्लेवरी का इंडिया में एग्जिस्टेंस कैसे हुआ? तो एक चंद्रगुप्त पीरियड में एक इंसान थे, उनका नाम, एक ग्रीक प्रोफेसर थे जिनका नाम है मेगेस्टन. उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी. उन्होंने ये बताया था जो स्लेवरी है वो इंडिया में मुगल पीरियड से आई, मुगल टाइम से स्लेवरी आई. वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में वो वहाँ पे रहते थे और उन्होंने सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व किया. उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने ये बताया था कि स्लेवरी कब से आई, मुगल के टाइम से आई. ठीक है, उससे पहले स्लेवरी नहीं थी इंडिया में. ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में 1854 में, तो उनका भी रूल था, वो लोग स्लेवरी को अबॉलिश करना चाह रहे थे, बट स्टिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लेवरी प्रैक्टिस हो रही थी इंडिया में. और प्रॉपर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो भी वर्कर्स हैं उनको कुछ सिक्योरिटी मिले, उनका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड हो. तो मेगेस्टन के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि जो स्लेवरी है इंडिया में वो मुगल पीरियड से ही आए. ये उन्होंने सेकेंडरी सोर्स के थ्रू बताया था, उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा था और बोला था कि ये जो है हम लोग अगर बात करेंगे कब से आई, तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे कि मुगल पीरियड से ही आए. अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात हुई इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कहा कि हम अबॉलिश कर दें स्लेवरी को, बट वो कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं हुआ, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में प्रैक्टिस हो ही रहा था. ठीक है, और जब वर्ल्ड वॉर हुआ वहाँ, उस टाइम बहुत कम जॉब थी और बहुत सारे लोग थे, तो अगर पीपल अर्न करना चाह रहे थे तो उनको 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा था. कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं था और खूब काम करने के बावजूद उनको कम पैसे मिलते थे. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी कन्वेंशन बना फोर्स लेबर को अबॉलिश करने के लिए. ये कन्वेंशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वेज में इम्प्लीमेंट भी हुआ. फिर हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे. उसके पहले एक टर्म है गिल्ड सिस्टम. गिल्ड सिस्टम क्या होता है? गिल्ड सिस्टम बेसिकली एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट था. जो भी लोग एक कॉमन ऑक्यूपेशन में आते थे वो लोग एक एसोसिएशन बना लेते थे. लाइक कोई भी रोजरी का बिजनेस कर रहा है, कोई भी कारपेंटिंग का बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर
करके एक एसोसिएशन बनाते थे और उस एसोसिएशन के थ्रू एक ट्रेड यूनियन टाइप का ही एक एसोसिएशन बना लेते थे और उस एसोसिएशन की वजह से वो लोग कलेक्टिवली हर चीज़ को बार्गेन कर लेते थे, नेगोशिएट कर लेते थे, कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता था। जो भी सेम ऑक्यूपेशन के लोग हैं वो सब मिल करके एक एसोसिएशन बना लेते थे और उस एसोसिएशन का अलग अपना अपना रूल्स और रेगुलेशन होता था और अपना प्राइस वो लोग सेट करते थे और पीपल कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, कोई अपने हिसाब से बार्गेन ना कर पाए, वो म्यूचुअली अपने हिसाब से सब कोऑपरेट करते थे और काम करते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर। जब हम लोग लेबर डिवीजन की बात करते हैं तो फोर फॉर्म्स में डिवाइडेड है। एक सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एकदम सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, फिर कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, फिर ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है कि नॉर्मल वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, कोई इम्पोर्ट का काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स में जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वर्क अगर डिवाइडेड है। अगर मान लो 10 लोग वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट में एम्प्लॉयड, कोई एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, कुछ इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके काम के अकॉर्डिंग अगर कोई डिवीजन है तो वो हो गया सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। अब कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पीपल अगर स्पेशलाइज्ड हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, स्पेशलाइज्ड हैं, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे हैं वो, तो उस बेसिस पे अगर डिवीजन हो रहा है जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। फिर नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ जॉब होते हैं जिस हिसाब से जो वो काम कर रहे हैं। प्रोफेसर है अगर वो पढ़ा रहा है, डॉक्टर वो ट्रीटमेंट दे रहा है, इंजीनियर, मतलब जो अपने काम के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से अगर लेबर का डिवीजन होगा, कारपेंटरी, इंजीनियर, सब अलग अलग जो अपने काम के हिसाब से करें, दैट इज ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। और एक है ज्योग्राफिक डिवीजन ऑफ लेबर। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर क्या कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर काम डिवाइडेड है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो इंसान स्पेशलाइज्ड है। फिर एक है जेंडर बेस्ड लेबर। जेंडर बेस्ड लेबर क्या होता है, जब हम लोग वर्क को सेग्रीगेट कर रहे हैं जेंडर के हिसाब से कि मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगा, हम लोग प्रिविलेज दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को, सो दैट इज जेंडर बेस्ड लेबर। और सरप्लस लेबर क्या हो गया, लाइक सपोज अगर वेजेस के लिए वर्क किया जा रहा है, अगर 20 रुपए के लिए 4 घंटा वर्क किया जा रहा है, बट आपको एक्स्ट्रा काम भी किया जा रहा है, मतलब जितना आप अर्न कर रहे हो उससे भी ज़्यादा अगर आपसे काम करवाया जा रहा है। अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि जितना आप अर्न कर रहे हो, जो 4 घंटे के लिए आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी वर्क कराया जा रहा है, तो दैट इज सरप्लस लेबर। अब क्या हो रहा है कि अब उसको हम लोग ओवर टाइम वर्क कहते हैं। अगर अब ऐसा होता है तो उसको हम लोग ओवर टाइम वर्क कहते हैं। पहले कहते थे सरप्लस लेबर, मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप पेड हो उससे एक्स्ट्रा यू आर वर्किंग, सो दैट इज सरप्लस लेबर। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बताया था सरप्लस लेबर को, ये हिस्ट्री में भी मेंशन्ड है कि क्या है सरप्लस लेबर। लेबर जो है जब एक्स्ट्रा आर के लिए वर्क कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, और उनको ये किसका, जो कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया उनके बेनिफिट के लिए, लेबर्स का कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, जो कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया उनके बेनिफिट के लिए अगर एक्स्ट्रा आर्स वर्क कर रहे हैं, दैट इज सरप्लस लेबर। आज के टाइम में उसको ओवर टाइम वर्क कहते हैं। और आप वॉलंटरी काम करो लेकिन यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, यू वोंट अवेल एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, जस्ट यू आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, सो दैट इज सरप्लस लेबर। अब लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेजिस फेयर इकोनॉमिक में क्या है कि जब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए, कंट्री को डिफेंड करे, देखे कि सोसाइटी में कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, इक्वल डिवीजन हो, इक्वल कंसंट्रेशन हो वेल्थ का। लेजिस फेयर में क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं कर रही है इंडिविजुअल की कोई पॉलिसी में, इंडिविजुअल कोई भी अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं थी क्या उसको रूल्स और रेगुलेशन बनाना है, वो हर इंसान को अलाउ कर दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। इससे बहुत लोगों को नुकसान भी हो रहा था, तो उसको हम लोग कहते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमी। अगर हम लोग वर्क गवर्नमेंट का देखें तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये वर्क है कि कंट्री को डिफेंड करे और प्रॉपर अच्छे से देखे कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है वो अच्छे एस्पेक्ट में बन रहा है, वो कंपनी के इकोनॉमी को फ्लरिश करेगा, कोई भी लोग का कोई लॉस ना हो, कि इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक्स कंट्री का जो इकोनॉमी है वो किसी वजह से एडवर्सली इफेक्ट ना हो।
जब लेजिस फेयर इकोनॉमी के टाइम रिच जो हैं और रिच हो रहे थे और पुअर जो हैं और पुअर हो रहे थे, मतलब अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जो रिच थे वो और अमीर हो रहे थे और गरीब और गरीब हो रहे थे. तो इसको इराडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी था. जब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी वेल्थ में, तो स्टेट को लगा कि नहीं, अब हमको इंटरफेयर करना चाहिए, देखना चाहिए जो भी रूल्स और रेगुलेशन बन रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जा रहा है कि नहीं, हर कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में होना चाहिए. अगर लेजिस फेयर की हम लोग बात करें, तो लेजिस फेयर को हम लोग ये भी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्टेटस. ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्टेटस, हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जब हम लोग स्टेट के बेनिफिट के बारे में देखते हैं, जब हम लोग सबके सबके बेनिफिट के बारे में, कि आपको एज अ होल, जो भी सिटीजन एज अ होल और कंट्री एज अ होल, सबको बेनिफिट मिले. ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इनटू स्टेटस क्यों कह रहे हैं, कि पहले फिर स्टैट्यूट्स बन गया, गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगी स्टैट्यूट्स अकॉर्डिंग. कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट में आता था, पहले अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी किसी से भी ट्रेड कर सकता था, कुछ भी मतलब किसी को भी एक्सप्लॉइट कर सकता था, कुछ भी बिजनेस कर सकता था. इससे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, तो स्टैट्यूट्स बनी और गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हुआ ताकि इतना प्रॉब्लम ना हो. फिर एक लास्ट टर्म है अनऑर्गेनाइज लेबर. अनऑर्गेनाइज लेबर क्या है, कि अगर हम लोग ओल्ड पर्सपेक्टिव से देखें, तो लोग जो है अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे, तो बहुत लेबर कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था, तो लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. एम्प्लॉयर जो है उनको रिक्रूट कर रहे थे किसी भी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे अपना कोई प्रॉपर लॉज नहीं था, किसी भी बेसिस पे उनको टर्मिनेट कर दिया जा रहा था. एम्प्लॉय जो थे वो बहुत गुस्सा होकर के बिना मतलब का उनको टर्मिनेट कर देते थे. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो उसको भी प्रॉपर रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं था. तो ILO जो है उसने बहुत सपोर्ट किया और उसने ये बोला कि अगर कोई भी ऐसा लेबर डिस्प्यूट हो रहा है, तो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन में भी जा सकता है. अब मीडिएशन और आर्बिट्रेशन क्या है, मीडिएशन में क्या होता है कि सेटलमेंट जो है इसमें थर्ड पार्टी जो है असिस्ट करता है और एडवाइस करता है आपके सेटलमेंट में. और आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो जजमेंट देता है और जो भी जजमेंट होगा वो कोर्ट की डिक्री की तरह इन्फोर्सिबल होगा. जजमेंट मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी ऐसा डिस्प्यूट है, तो आर्बिट्रेशन या मीडिएशन में जा सकते हैं. तो लेबर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये सब मोड आए. फिर बाद में और डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने सपोर्ट भी बहुत सारे कन्वेंशन को किया, और इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन को सपोर्ट किया और यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम लेबर एक्सप्लॉयटेशन. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू.